नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट में। मैं हूं प्रिंस पांडे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बेहतर होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक न्यू जॉब अपडेट, बिहार गवर्नमेंट के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक नई वैकेंसी आई थी, जो कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का पोस्ट था। इसमें थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि इसका इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में, आखिर इसमें वेरिफिकेशन के समय में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आखिर इसका कट ऑफ कितना जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, ये जो पोस्ट है इसमें यूआर के लिए 145 देखेंगे इसको कितने कितने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बताते हैं आपको कि ये जो पोस्ट था, पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, फिर से पुनः एडवर्टाइजमेंट आपका जारी किया गया है। इसमें क्या चीज है, आखिर कट ऑफ इसका कितना जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए यूआर का जो है वो 145 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 28, अनुसूचित जाति का 57 या 57 है, अनुसूचित जनजाति का 4 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 71 सीट 71 है, पिछड़ा वर्ग का 37 और पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 13 सीट है। और इस पूरे में जो पूरा पोस्ट है आपका, उसमें 35% आरक्षण है। या एक बात समझिएगा, आरक्षण को देखें तो 35% महिला का आरक्षण है और स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता, जितना जो भी नाती पोता पोती नतनी होगा उसको 2% का आरक्षण और दिव्यांग को 4% का आरक्षण है। अब देखेंगे कि इसमें योग्यता क्या चीज है, आखिर फॉर्म को एप्लीकेशन को जब हम फिल करेंगे तो उसमें मतलब एलिजिबिलिटी क्या चीज है, क्या आप किए हुए तो ये फॉर्म के एलिजिबल हो आप। तो आपको बीटेक करना होगा, बीटेक मतलब हुआ होगा आपका इन सिविल इंजीनियरिंग में, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि जब आपका बीटेक होगा सिविल इंजीनियरिंग में और प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या तो कोई प्राइवेट संस्था से, जो कि आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहा है, आखिर पदाधिकारी बना रहा है तो बीटेक लेवल का होना ही चाहिए, डिप्लोमा वाला थोड़ी है पदाधिकारी अभी बन जाएगा। सैलरी इसका 59,000 है और इसका इनहैंड सैलरी आपको 52,202 रुपया मिलेगा, 4,000 रुपया लैपटॉप। ये सारे चीज आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वहां पे जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें। एज की क्राइटेरिया की यदि हम बात करते हैं तो इसमें 1/1/2022 तक आपका मिनिमम 21 एज रहना चाहिए और मैक्सिमम में आप 37 जा सकते हैं, यूआर के लिए 40 जा सकते हैं, आप 40 जा सकते हो उसमें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो महिला होंगे पुरुष होंगे उनके लिए, और ये चल जाएगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष एवं महिला के लिए 42 ईयर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की आखिर बात करें कि आखिर इस जो वैकेंसी इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस, तो भाई मेरे इस वैकेंसी में कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, आपका नो एग्जाम है, कोई एग्जाम नहीं, बस फॉर्म फिल करो, आपका वेरिफिकेशन होगा, आपको जॉब मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, सब लोग जरूर फिल कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या चीज है, आपका मैट्रिक का जो मार्क्स होगा, मैट्रिक का जो समझिएगा थोड़ा सा इसको अच्छा से, मैट्रिक का जो आपका परसेंटेज होगा, मार्क्स नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैट्रिक में यदि आपका 80% हो गया, मान के चलते हैं आपका 80% है, ठीक है, तो 80% यह मैट्रिक में आपका है तो इसका हमको 10% लेना है, यानी 80/ कितना, इसमें करवाना नहीं, मैथ में करवाना नहीं है, बीटेक लेवल की वैकेंसी है, तो 10 यहां से निकालेंगे हम लोग तो यहां से 8 पॉइंट आपका मिल जाएगा। इंटर का आपका 15% जोड़ेगा, यदि इंटर में भी यदि आपका 70% है तो 70% का आप 15% निकाल लो तो कितना हो जाएगा आपका, 15 × 75 से कितना हो जाएगा, यानी 10.5 आपका हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि अब 70% है किसका, स्नातक का, यदि स्नातक में आपका 60% है तो इसका 70% निकालना है तो 6 × 42 पॉइंट आपका इसमें आ जाएगा। स्नातकोत्तर में यानी कि आपको पीजी में पोस्ट ग्रेजुएट यदि किए हो तो उसमें 5% है, 5% आपका अंक मिलेगा, यानी 5% आपका, यदि उसमें 60% है तो 60/5/100 करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/3 अंक यहाँ पे मिल गया। एक्सपीरियंस का आपका मिनिमम 5 अंक और मैक्सिमम 20 अंक दिया जाएगा और ये जितने अंक आए हैं ये सबको जोड़ देना है और यही से आपका कट ऑफ तैयार होगा। आखिर सभी लोगों के माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा, तो ये वीडियो को थोड़ा सा अंत तक देखिएगा, कट ऑफ भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखेंगे इसमें वेबसाइट जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। और कब से स्टार्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो भाई मेरे बस 21 से स्टार्ट है और 16 तारीख तक चलेगा, 21 अक्टूबर से ही स्टार्ट है आपका, 16/11 तक चलेगा, यानी नवंबर तक आपका चलेगा, कल से ही स्टार्ट है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो जितना भी आपका दिया गया है सबका आप डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखिएगा। ये
ओरिजिनल जितना भी है सब रखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, बट यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा उसमें भी शायद डॉक्यूमेंट अपलोड के सुविधा होंगे, तो डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना होगा तो आपको रखना पड़ेगा। मैट्रिक का ओरिजिनल मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, ये सब रखिएगा। इंटर का भी वही चीज, स्नातक का भी सब, और स्नातकोत्तर का भी वही, ठीक है। ये सारे चीज आप रखिएगा अच्छे से। उसके बाद जो होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, यदि आप जातीय आवासीय आय और एक होता है एनसीएल, जो कि ओबीसी बीसी और ईबीसी के लिए बनता है एनसीएल, तो एनसीएल भी आपको जरूर बना लेना है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही आपको मांग सकता है वहां पे कि आप एनसीएल का भरे या ईडब्ल्यूएस का, आप वहां पे संख्या भरे, जो पंजीयन संख्या आपका वो भरे, तो ये सब आपको दिक्कत होगा, तो अभी से ही कर ले। 16 तक डेट है आपका, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो सारे चीज बन जाएंगे ईडब्ल्यूएस ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही, इसलिए अभी से ही बनवा करके आप लोग रख ले। अब आते हैं हम लोग ऑनलाइन अप्लाई जो होगा ऑल ओवर इंडिया से आप कर सकते हैं, चाहे भी किसी भी स्टेट से होंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा कि आखिर इसका कट ऑफ कितना जाएगा, तो भाई मेरे जाहिर सी बात है वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है, कट ऑफ के लिए बहुत ज्यादा वैकेंसी कम है, ज्यादा थोड़े है, 145 ये हो गया, 2857 और ये कितना, 8, 5, 13, 13, 7, 20, 4, 24, 25 और 7, 32, 32, 32 और ये 3 हो गया, यहाँ पे 35 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, 2, 6, 5, 11, 11, 11 और 7, 18, 18 और 3, 21 और 22 और 3, 25 हो गया, और 2 और 1, 3, 355 को पोस्ट है, अब 355 को पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग अपने से थोड़ा सा देखना, इसमें कट ऑफ बताने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि कट ऑफ बता ना सकता, गलत सलत इसा बताने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो बस भाई वीडियो का यही प्यार करते हैं, आप लोग कट ऑफ देखो, अगर जिसका परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा है मैट्रिक में, यदि 80 से एबव हो, यहाँ पे इंटर में भी यदि 80 से एबव है, यहाँ पर भी अगर 80 के अप्रोक्सीमेटली 5 है आपका, और स्नातकोत्तर में भी आपका है, तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बस भाई मेरे वीडियो का यही प्यार करते हैं, थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद।